नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल X9 स्पिरिचुअल में। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है उस घर में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आती, उस घर के लोग हमेशा खुशहाल भरी जिंदगी जीते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह क्यों बनाया जाता है और इसके पीछे की मान्यता क्या है? दरअसल वैदिक ऋषि ने अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों का निर्माण किया। मंगल भाव को प्रकट करने वाले और जीवन में खुशियां भरने वाले इन चिन्हों में से एक है स्वास्तिक। उन्होंने स्वास्तिक चिन्ह के रहस्य को वास्तविक उजागर किया और इसके धार्मिक ज्योतिष और वास्तु के महत्व को बताया। आज स्वास्तिक को प्रत्येक धर्म और संस्कृति में अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में ऐसे चिन्ह और अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि कई हजार वर्ष पूर्व मानव सभ्यता अपने भवनों में इस मंगलकारी चिन्ह का प्रयोग किया करती थी। सिंधु घाटी से प्राप्त मुद्रा और बर्तनों में स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों में स्वास्तिक का महत्व भरा पड़ा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेख, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में भी स्वास्तिक का अनेकों बार उल्लेख मिलता है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पहले हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करने का भी महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कार्य सफल होते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक शब्द को सु और अस्ति का मिश्रण योग माना जाता है। यहाँ सु का अर्थ है शुभ और अस्ति से तात्पर्य है होना, अर्थात स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ हो यानी कल्याण हो। स्वास्तिक चिन्ह में एक दूसरे को काटते हुए दो सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी यह रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी आगे की तरफ मुड़ती हैं। स्वास्तिक की आकृति दो प्रकार की होती है। पहला स्वास्तिक, इसमें रेखाएं इंगित करती हुई हमारी दाईं ओर मुड़ती है, इसे दक्षिणावृत्त स्वास्तिक कहते हैं। दूसरी आकृति पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारी बाईं ओर मुड़ती है, इसे वामवृत्त स्वास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।